इस वीडियो में हम एग्जाम्पल टू को देखेंगे। चैप्टर फाइव है हमारा एपी, ठीक है ना। तो क्लास टेन की हम सॉल्यूशन को देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, यानी यह हमारे पास नंबर की लिस्ट दी हुई है। हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा है जो एपी बना रहा है। अगर बना रहा है तो हमें दो टर्म्स बाद वाले पता करने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 4, 10, 16, 22, ठीक है ना। अगर ये एपी है तो एपी में क्या होता है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं वो सेम होना चाहिए। और इसको कैसे पता करते हैं, हर बाद वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट। इक्वल टू 16 - 10 = 22 - 16, है ना। तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो डी जो है, सिंस डी इज सेम, देयरफॉर हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है तो वो हमारे पास क्या है, इट इज एन एपी। और एपी बना रहा है तो दो टर्म और पता करने हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है ना। लास्ट वाला टर्म क्या है, 22। तो द नेक्स्ट टू टर्म्स आर कैसे हो जाएंगे, 22 प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, कितना आया था 6, तो ये हो जाएगा 28। फिर अगला कितना हो जाएगा, फिर इसमें दोबारा जो आया है उसमें जोड़ दो 6, तो ये हो जाएगा 34, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इसका जवाब हो गया। ओके, इसी तरीके से ना हम सेकंड पार्ट को भी देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 1 - 1 - 3 - 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी हम फटाफट यही चीज करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। इक्वल टू बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, इक्वल टू बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। मगर यहां तुम देखोगे कि जब मैंने यहाँ पे ये लिखा तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि ये जो बाद वाला है इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो माइनस होने वाला भी ऑलरेडी माइनस में है। इस तरीके से माइनस फाइव में 3 जो है ऑलरेडी माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी ये प्लस का हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस 2 हो गया माइनस का, एंड यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डी जो है सेम है, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इज एन एपी। तो नेक्स्ट टू टर्म हमें पता करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स आर, तो लास्ट वाला टर्म क्या है उसमें हम डी को जोड़ देते हैं, तो ये आएगा -7, और जो आया दोबारा उसी में डी को जोड़ देंगे तो -9। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कोई बात नहीं है, हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो -2 + 2 - 2 + 2 - 2, देखते हैं ये हमारा एपी बना रहा है या नहीं। तो डी इक्वल टू बाद वाले में से पहले वाले को, यानी 2 माइनस, देखिए माइनस होने वाला ऑलरेडी माइनस में, तो -2 = 2 - ऑलरेडी माइनस में - 2 - -2। आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +4 - 4 + 4 - 4। डी जो है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। अब डी सेम नहीं है तो क्या करते हैं, सिंस डी इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अब हम फाइनली फोर्थ पार्ट को देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट में आप देखोगे कि 1, 1, 2, 2, 3 एंड 3, इस तरह से ये हमारा फोर्थ पार्ट। तो डी को चेक करते हैं, देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 - 1, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 - 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 - 1, फिर इसमें से इसको 2 - 2, फिर इसमें से इसको 2 - 2, इक्वल टू इसमें से इसको 3 - 2, इसमें से इसको 3 - 3, फिर 3 - 3। तो पहले तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर दोबारा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1,
यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो देखिए डी जो है बिल्कुल शुरू में तो सेम है, मतलब सब सेम नहीं है, सब सेम होना बहुत ज़रूरी है अगर ए पी है तो डी जो है यानी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन ए पी। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मैंने लिंक्स बनाए हैं चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।